इसे बिल्कुल माशाल्लाह क्रिस्प हो गया हुआ है। अब इसे आप काटते हैं। आपको आवाज़ तो आ रही है इसकी क्रिस्पीनेस की। तो ये देखिए एक और वैरायटी बच्चों के नाश्ते के लिए। ये देखिए स्ट्रिंगी चीज़ है, ऊपर से भी चीज़ मेल्ट हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट में वैरायटी बच्चों के लिए। ब्रेकफास्ट में बना लें, शाम की चाय के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स रियली नाइस हेल्दी। तो इसका नाम जनाब है टोर्टिया ब्रेकफास्ट पिज्ज़ा, इसको कहा जाता है। टोर्टिया ब्रेकफास्ट एग पिज्ज़ा भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये क्यों कहा जाता है। तो आप सामने अंडे तो पड़े हुए, तो सबसे पहले आपको दो अंडे चाहिए। इसके लिए इसमें आप डालोगे नमक, बिल्कुल हाफ अ टीस्पून है। लहसुन का पाउडर जाएगा बीच में हाफ अ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ अ टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हो तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटा हुआ लीजिएगा, ज़रा थोड़ा खूबसूरत दिखता है। ये हमने बीट कर लिया, इसको एक साइड पर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप यूँ होगा कि आपको चाहिए टोर्टिया, ठीक है। ये आपको रेडीमेड ले लें, घर पर बनाना चाहेंगे तो मैं आपको लिंक दूंगी वीडियो की एंड में या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टोर्टिया नहीं बनाना चाहते, घर पर रोटी बनाएं, रोटी के साथ में भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डालेंगे टमाटो की पेस्ट, मैं एक टीस्पून जितनी डाल रही हूँ। कौन सी वाली जो आपको ट्यूब्स में मिलती है, इस तरह, ठीक है। ये आपको पिज्ज़े का जायका देगा और नाश्ते का नाश्ता होगा, पिज्ज़े का पिज्ज़ा हो जाएगा। बच्चे इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। उनके लंच बॉक्स के लिए आपको प्रॉब्लम होती है शाम की चाय, बाहर से बच्चे खेल कर आते हैं शाम को, तो आप ये बना कर दें, ठीक है। तो ये आप इस पर इसी के से स्प्रेड कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है, आपको चाहिए फ्राइंग पैन। सबसे पहले आप इसमें जो है बिल्कुल मामूली सा तेल ब्रश करेंगे, ये देखें ठीक हो गया। फिलहाल चूल्हा मैंने अभी ऑन नहीं किया। इसमें आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई सालन बच गया है, चिकन का कीमा है, चिकन है, उसको श्रेड करके डाल दें, सलामी, सॉसेजेस गोल गोल या छोटे छोटे काट कर, पेपरोनी, एनीथिंग। मैं यहाँ पे सलामी इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा पहले ऑयल ब्रश किया, अब यहाँ पर चिकन की सलामी है, इसको मैं यहाँ पे अरेंज करूँगी। अब जितना साइज मेरे यहाँ पर फ्राइंग पैन में है और ये मीडियम साइज़ की सलामीज हैं, तो यहाँ पर मैंने इजिली 6 डाल दी हैं। अब जितना बड़ा फ्राइंग पैन होगा उसके हिसाब से आप इसको बीच में चीज़ों को अरेंज करेंगे, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद मैंने प्याज आप लेंगे बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, इसी के से आपने डाल देनी। दिस इज मे बी अबाउट 1.5 टेबल स्पून जितना होगा, या 1 टेबल स्पून कर लें, ठीक है। उसके बाद शिमला मिर्च किसी भी कलर की डाल दें, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट पिज्ज़ा है, इसका कलर की जो चीज़ें होती हैं बीच में, सब्जी अपने पसंद की डाल सकते हैं आप। मैं आप चाहो तो उसमें स्वीट कॉर्न डालें, वो भी अच्छा लगेगा बीच में। रेड वाला मैंने डाला 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैं येलो वाला डाल रही हूँ। शिमला मिर्च, कुछ ऑलिव्स डालेंगे। अब मैंने ये चीज़ें डाल लेने के बाद चूल्हा कर दिया ऑन। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम और लो के बिल्कुल दरमियान में रखनी है, ये ज़्यादा तेज़ आग पर नहीं आपने करना, ठीक है। तो बिल्कुल हल्का सा मैंने नीचे वो चला रखा है। यहाँ पर अंडे हमने फेंट कर रखे हुए हैं, इसको यहाँ पर सिर्फ एक आधा मिनट देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब इस स्टेज पर आपने जो है एक मिनट के बाद आप इस पर जो हमने अंडे बीट किए थे वो यूँ डाल दीजिएगा। अंडा डाल देने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस। वो ये आप देखेंगे कि अभी फिलहाल बिल्कुल अंडा जो है ट्रांसपेरेंट सा है। अभी जब देखोगे ना कि ये देखें हल्का हल्का इसमें कलर आ रहा है, यानी कि जैसे कुक होना शुरू हो रहा है, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसमें क्या डालना है। तो देख लें अंडे का, आप देख रहे हैं अब कलर थोड़ा चेंज हुआ। इस स्टेज पर आप चीज़ डालेंगे अपने पसंद की। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मोज़रेला की चीज़, तो जितनी आपको पसंद है उसके हिसाब से आप डालेंगे, कोई इसकी खास मेजरमेंट नहीं है। चीज़ ही पसंद करते हैं ज़्यादा डालें, कम पसंद करते हैं कम डालें। चेडर चीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ये डालने से ज़रा थोड़ा सा स्ट्रिंगी बनता है, तो इसी के से आप इस पर चीज़ डालते हो, ठीक है। और अब इसके ऊपर
हमारा पिज्जा का पेस्ट लगा हुआ, रोटियां डालेंगे इस तरह, और इसको आपने जो है हल्का हल्का दबाव देना है ताकि इसके साथ स्टिक हो जाए अंडे के साथ में। ओके, ये वो रेसिपीज है जो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और आपकी लाइफ इजी हो जाती है जब आपने इनके लिए स्कूल के लिए कुछ बनाना हो या शाम की चाय के लिए वो कुछ बच्चे जिद करते हैं, तो ये हेल्दी चीज़ें हैं। ये करके इसको आप यहाँ पर कवर कर दें, कवर कर आपने सिर्फ इसको 2 मिनट देने, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप, और प्लीज़ फ्लेम को एकदम से हाई मत कर दीजिएगा, ये बिल्कुल लो पर कुक होता है। अब आप क्या करेंगे, जो ये ऊपर की ये वाली साइड है जो नीचे जाएगी, इस पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ये देखना ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैंने तेल ब्रश किया, दैट्स इट। और इसे 2 मिनट के बाद अब इसकी साइड चेंज करेंगे हम, बिस्मिल्लाह, ये देखें, ठीक है, परफेक्ट है बनता है ये। वो नीचे से जो हमने तेल लगाया हुआ है या बटर लगा रहे हैं, जिसका भी आपका दिल चाहे, वो जो है बिल्कुल उसको अच्छे से क्रिस्प कर देगा। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। अब यहाँ पर दोबारा ऑप्शन है आपके पास में, अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और डालूंगी, और टेबलस्पून, और फिर इसे कवर करेंगे और सिर्फ इतना छोड़ेंगे बीच में कि चीज़ ऊपर से मेल्ट हो जाएगी, और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि थोड़ी सी चीज़ डालती हूँ और इसको मैं दोबारा कवर करने लगी हूँ। तो देखते हैं, चीज़ भी मेल्ट हो गई, अब इसे हम निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। नीचे से बिल्कुल माशाल्लाह क्रिस्प हो गया हुआ है, अब इसे आप काटते हैं। आपको आवाज़ तो आ रही होगी इसकी क्रिस्पीनेस की। तो ये देखिए, एक और वैरायटी बच्चों के नाश्ते के लिए। ये देखिए स्ट्रिंगी चीज़ है, ऊपर से भी चीज़ मेल्ट हो गई हुई, और अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो ये देखें, परफेक्टली डन। सर्व कीजिए जूसेस के साथ, गर्मी है ज़रा ठंडी ड्रिंक्स के साथ सर्व कीजिएगा, सैलड हो जाए, इसका खुद का जायका बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसके साथ कोई सॉस चाहते हैं तो बच्चों को केचप पेस्ट आप जो साथ में सर्व कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कम्प्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट fizza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी थी जो कि फ्री है। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, तो हमें याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।